अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करें। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़रते हैं एक अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, हमारे तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर बुखार का सर्वे किया जाएगा। जिस किसी को भी बुखार आया या जिस किसी को भी कोरोना निकला तो उनको जो है एक किट भी दी जाएगी और दवाएं भी दिए जाएंगे, इस तरह का वादा किया था। वैसे अपना वादा पूरा करते हुए भी नज़र आए, क्योंकि जो है तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में फीवर सर्वे चल रहा है। हमारे हैदराबाद के भी न्यू सिटी के एरियाज में जो है फीवर सर्वे चल रहा है, लेकिन हैदराबाद के पुराने शहर को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? क्योंकि अब तक हैदराबाद के पुराने शहर में कोई भी सर्वे करने वाले आए नहीं, किसी का चेक किए नहीं और किसी को दवाएं भी दिए नहीं। आखिर इस तरह से हर बार हर काम में हैदराबाद के पुराने शहर को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? वो चाहे हमारी मेट्रो ट्रेन क्यों ना हो, वो चाहे इस तरह का सर्वे क्यों ना हो, क्योंकि हैदराबाद पुराने शहर में भी तकरीबन लोगों को बुखार आ रहा है, जो बुखार की वजह से कहीं लोग परेशान हैं। तो आइए इसी के ताल्लुक से जो है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम ने खसूसी खबर बनाई है जो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हैदराबाद में कुछ सर्वे करने आ रहे हैं डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं बोल के ऐलान तो होगा। हरीश राव साहब बोले अब तक कोई भी नहीं आए हमारे घर में, अलीजा कोटला, तालाब कट्टा, मोहलपुरा और अपने गुलदार हाउस वगैरह करने कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। हर घर में एक बच्चा, दो बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, किटा दे रहे हैं, बोल रहे हैं किसको दे रहे हैं, किटा कहाँ दे रहे हैं, आज तक वो एक किट भी हमारे को दिखी नहीं। और घर घर आके सर्वे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोई भी करे नहीं। यहाँ पर एक एक दवाखाने में हम गए अगर प्राइवेट में तो 500 से 700 रुपये हमारे को खर्चा आ रहा, दो आदमी बोले तो 1500 रुपये खर्चा आता, कहाँ से लाना क्या करना गरीब आदमी। और दूसरी चीज़ क्या है बोले तो लोग घर पर दे रहे, बोल रहे आज तक कोई नहीं दिए। ये हैदराबाद ओल्ड सिटी तेलंगाना में आता है या नहीं आता ये पूछना चाह रहा हूँ मैं हमारे हरीश राव साहब से। आपके पास कोई गवर्नमेंट से आए थे क्या चेकअप कर? नहीं नहीं कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, खाली सुन रहे हम, देख रहे खाली वीडियो में, न्यूज़ में देख रहे खाली, आएंगे आएंगे घर में, घर सर्वे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आए। और घर में एक को आया बुखार खांसी सबको हो रहा हो, किसी को बुखार आया तो आपके पास गवर्नमेंट डॉक्टर में दवाएं कुछ नहीं बोल रहे दे रहे नहीं, वहाँ पे भिजा दे रहे, वहाँ पे खाली कोरोना का टेस्ट हो रहा हो बोल के भिजा दे रहे, दवाएं भी नहीं दे रहे। आप कह रहे थे मैं वल्लागुड़े में रहता हूँ, वल्लागुड़े में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे गए तो क्या देख रहे कर रहे भी नहीं सही, खाली क्या है वो टेस्ट हो रहे कोरोना के टेस्ट हो रहे भिजा दे रहे। अब पूरे लोग ऐसी जैसा आए ना कोई सर्वे को बोले, सर्वे को कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब वो पूरा तो हमारे एरिया और बहुत सारे एरिया में तो नहीं देखा, वही वल्लागुड़े पीछे हाँ दवाखाने को जाते ही पहले टेस्ट करो आओ बाद में बोलो, टेस्ट चल रहे खाली वहाँ, हाँ दवा नहीं दे रही बराबर। बहुत सारों को देख रहा हूँ मैं, जिसके घर में एक गया तो पूरे वैसी बीमार हो रहे, बच्चे से लेके बड़े तक, कोई प्राइवेट दवाखाने को जाना पड़ रहा, गवर्नमेंट दवाखाने सरकार के घर घर दवा पहुँचा रही नहीं। अभी तक तो हम लोग किसको भी नहीं देखे, कोई घरों पे आए से देखे ना, किसको सर्वे करे से देखे अभी तक नहीं। नहीं आए, मैं मोइन बाग में रहता हूँ, नहीं घरों पे तो कोई नहीं आया। गवर्नमेंट दवाखाने में भी गए तो गवर्नमेंट दवाखाने में लाइन में खड़ना पड़ रहा, लाइन में भी खड़े हुआ सही दवाएं भी नहीं मिल रहे, सही पूरा लाइन में खड़ना पड़ रहा, दवाएं भी सही नहीं दे रहे, बाहर से ले लेना पड़ रहा उससे अच्छा पैसा डाल के। तो पवन कुमार मिश्रा, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ सरकार के द्वारा अभी हालात जो है देख रहे हैं कोविड के लिए, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है स्कूलों को बंद करने का, शायद स्थिति वही जो है 2019 वाली होने जा रही है, और फिर बच्चे सफ़र करेंगे, पेरेंट्स सफ़र करेंगे, और फिर उनके ऊपर वही वापस बोझ आएगा कि आप फीस अदा कीजिए, पैसे आखिर लाएंगे कहाँ से? क्यों बोले तो पिछले जो है पीरियड से लोग संभले नहीं हैं, लोग जो है बहुत से बेरोज़गार हो गए, सरकार ने उनके प्रति नहीं सोचा आखिर उनको किस प्रकार से रोज़गार दिया जाए, और बहुत से स्कूलों के अंदर से तो बच्चों के नाम ही कट गए, वो लोग दोबारा पढ़ाई कर ही नहीं सके, ना जो है एग्ज़ाम दे सके। और लोगों पर एक वजन और ये आ गया कि जो है बात को फ़ोन आता आपका 6 महीने का बकाया, आपका 7 महीने का बकाया, अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम बच्चा को दोबारा रीएडमिशन नहीं करेंगे,
बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। अरे भाई पिछले 1.5 साल का ही उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उनको फिर पुश करके जो है अगली क्लासों में भेजा दिया, बच्चे को पिछला ही याद नहीं है, तो ये वाले के अंदर कैसा हुआ? खाली रिकमेंड के ऊपर आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। खास तौर पर बच्चों को जो छोटे जो बच्चे हैं उन्हें जो गाइड मिलना चाहिए वो तो ख़त्म ही हो गया। UKG, LKG, नर्सरी वगैरह जो क्लासेस जो होती है वो तो लुप्त हो गई। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शन और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखे स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल, एक बार जरूर इस्तेमाल करें।